तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बनने वाला हूँ आर्मी ऑफिसर, क्योंकि मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं एक आर्मी वाला मतलब एकदम नौजवान बनूं और भाई मैं अपने देश की लड़ाई करूं। तो यही मेरा सपना था। तो आज गाइस यार मैं इसको गेम में पूरा करने वाला हूँ अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रिल में। चलो तो भाई आज हम लोग चलते हैं सीधा आर्मी की ट्रेनिंग पे। तो चलो सीधा गाड़ी में बैठते हैं और सीधा गाड़ी को लेकर चलते हैं जहाँ पे हम लोग की आर्मी की ट्रेनिंग होने वाली है। और फिलहाल मेरे को एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, तो देखते हैं भाई एग्ज़ाम कैसा जाता है। बाकी यार मैं तो फुल तैयार हो रखा हूँ, पर हाँ देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में बस फेल ना हो जाओ। भाई देखो मेरा 10 साल के करियर में मैं 10 बार फेल हो चुका हूँ। अब मैं इतना सच बोलना था, मेरे को पता नहीं था, जैसे इसको कट कर देना चाहिए मेरे को, बट ठीक है गाइस यार आप लोग भी मेरे भाई जैसे ही लगोगे तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ 10 बार फेल हुआ हूँ। अरे ठीक है कोई बात नहीं, बाकी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग आ चुके एग्ज़ाम देने, वहाँ पे भाई सब लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, मैं काफ़ी लेट आया एग्ज़ाम देने। तो चलो भाई सीधे एग्ज़ाम दे देते हैं और देखते हैं हम लोग का सिलेक्शन होता है कि नहीं। अब इसकी जो डेट है ना वो 2 दिन बाद आएगी और देखा जाएगा कि हम लोग का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। बट चलो ठीक है, सीधा अंदर चल के एग्ज़ाम देख कर आते हैं, फिर मैं आप लोग से मिलता हूँ 2 मिनट में। ओके गाइस मैं एग्ज़ाम देकर आ चुका हूँ और अब मेरे को नहीं पता कि गाइस मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अब देखो मैं 10 बार फेल हो चुका हूँ, अब देख लेते हैं इस चीज़ में क्या पता मैं आर्मी ऑफिसर बन जाऊँ। चलो फिलहाल तो अभी चलते हैं घर में आराम करते हैं और गाइस या कल के दिन अपना आएगा कि हम लोग सिलेक्शन हम लोग का हुआ है कि नहीं। यार काश हम लोग सिलेक्ट हो जाएँ और मैं भी एक आर्मी ऑफिसर बन जाऊँगा। चलो अभी चलते हैं सोने आराम से। चलो भाई फुल भाग के चलते हैं, फुल स्पीड में ड्रिफ्टे ड्रिफ्टे मारते मारते बस गाड़ी ना पलटे। हाँ चलो तो मैं एकदम आराम करता हूँ अभी, बाकी कल मिलता हूँ सीधा आपसे। वैसे यहाँ मैं पुलिस स्टेशन क्यों जा रहा हूँ, मेरा घर तो ये है ना। चलो भाई ऑल डन। तो गाइस देखो मैं घर में आ चुका हूँ, चलो जल्दी से सो जाता हूँ, फिर सुबह चल के नहा के देखते हैं हम लोग क्वालिफाई करें कि नहीं। चलो तो गाइस मैं सुबह उठ चुका हूँ, अब जल्दी से चल के नहा लेता हूँ एक बार को तो जरा भैया, बहुत दिन से नहाया नहीं हूँ भाई। चलो भाई एकदम अरे रे हाँ मेरा तो हो गया भाई, इतने में आता हूँ मैं और कितना आता हूँ भाई। सावा हूँ थोड़ी ना लगाता है भाई, सावा हूँ थोड़ी ना कोई लगाता है भाई, ऐसे ही ना आया जाता है। चलो तो जल्दी कपड़ा पहन के निकलते हैं, चेक करते हैं कि हम लोग का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। ऑल डन। तो कपड़ा वपड़ा सब पहन चुका हूँ, चलते हैं सीधा देखते हैं भाई काश हो गया हो यार। देखो अगर नहीं होगा ना तो अब मेरे को अलग ही जॉब कोई ढूंढनी पड़ेगी, बट जल्दी से पहुँच। ओके गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, जल्दी उतर के देखते हैं क्या मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। चलो भाई सीधे चलते हैं। ऑल डन। तो गाइस फाइनली मेरा सिलेक्शन हो चुका है आर्मी में और अब मैं बन चुका हूँ आर्मी मैन। मतलब बना नहीं हूँ, अभी हम लोग की गाइस ट्रेनिंग होगी। अभी ना फिलहाल मेरे को गाड़ी पार्क करने को कहा गया है तो मैं यही लगा देता हूँ। अब पता नहीं क्या क्या ट्रेनिंग होगी तो वो तो मेरे को नहीं पता है। तो चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या करना है भाई काम हम लोग को। ऑल डन। तो गाइस मेरी बात हो चुकी है और वो जो ऑफिसर है ना वो कह रहे हैं कि उधर जाओ कोने में और वहाँ पे बुलेरो होगी। तो कहाँ है बैं इसकी बुलेरो वाला, तो मेरे को कहीं नहीं दिख रही यार, टैंक दिख रही है, टैंक चला जाए क्या यार, मेरे को नहीं आती। ओ ये रही। तो भाई वो जो ऑफिसर है ना वो कह रहा है कि जाओ इसको लेके तुमको उस एयरपोर्ट के एकदम ऊपर पार्क करना पड़ेगा, जो वो है ना गाइस यहाँ पे कह रहा है भाई वो बंदा, ये जो सामने आप लोग देख रहे हो ना एकदम टॉप में हम लोग को पार्क करना पड़ेगा। अब गाइस यार ये काफ़ी मुश्किल काम है। वैसे यार आर्मी में गाड़ी वाड़ी चलाने का भी काम होता है क्या, ये मेरे को नहीं पता, बट चलो ठीक है प्रैक्टिस दिया जा रही तो कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। तो चलो मैं फ़िलहाल गाड़ी को भगाते भगाते तो आ ही चुका हूँ ऊपर की तरफ को और फिलहाल ठोकना नहीं मेरे को भाई, बचो अभी तो ठुकती भाई, अभी ऐसी ठुकती ना क्या ही तो बोलूँ। तो चलो अब इसको जल्दी से लेके ऊपर पहुँचता हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलता हूँ। ऑल डन गाइस। तो मैं फ़िलहाल गाड़ी को लेके ऊपर तो आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं इसको ला के पार्क कर देता हूँ। उन्होंने बोला था एकदम कोने पे ला के, इधर जो रास्ता पड़ेगा इधर ही पार्क करना है। तो चलो मैं इसको यहीं पे पार्क कर देता हूँ और चलना पड़ेगा हम लोग को नीचे, लेकिन नीचे चलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई। तो चलो ठीक है मैंने इसको पार्क कर दिया, अब बात कर लेते हैं फिर से कॉल करके कि सेकेंड जो टास्क होने वाला है ना वो हम लोग को क्या करना है। उन्होंने कहा था लगभग 4 या 5 टास्क है, अब मेरे को तो लग रहा है भाई 4 टास्क होंगे या 5 टास्क कितने होंगे वो मेरे को नहीं पता, बट चलो फ़ोन करके वापस से पूछ ही लेते हैं। ओके गाइस फिलहाल मेरी उन ऑफिसर से बात हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि अब तुम जहाँ पे हो उधर से नीचे आके यहाँ पे हम लोग को एक हेलीकॉप्टर को लाना पड़ेगा। भाई ये कितना मुश्किल है ये मेरे को नहीं पता, बट चलो सीधे चलते हैं हेलीकॉप्टर को लेने और उसको यहाँ पे ला के मेरे को लैंड करना पड़ेगा। भाई ये काफ़ी मुश्किल टास्क है वैसे। हाँ यार हेलीकॉप्टर चलाना पड़ता है यार आर्मी ऑफिसर्स को, बट चलो ठीक है हम लोग सारी ट्रेनिंग करेंगे आज और मैं आज आर्मी में एकदम सिलेक्शन करके ही जाऊँगा।
चाहे अब उसके लिए मेरे को कितना भागना ही पड़ेगा। अब देख रहे भाई इतना मेहनत करनी पड़ रही है मेरे को, तो इसी बात पे लाइक तो बनता है यार। बाकी चैनल पे नहीं तो चैनल आपके सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार, क्योंकि हम लोग 1K के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है गाइस। यार देखो 1K के बहुत ज़्यादा क्लोज है भाई, एकदम पास है हम लोग। तो जाओ यार, जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देना। बाकी यहाँ क्यों ना वीडियो भी आएगी, चिंता मत करो। बाकी चलो पहुँचता हूँ जल्दी से। तो चलो गाइस, मेरे को हेलीकॉप्टर तो मिल चुकी है, अब इसको मेरे को लेके चलना होगा सीधा ऊपर और इसको लैंड करना होगा एकदम परफेक्टली। वैसे तो मैंने हेलीकॉप्टर पहले उड़ा रखी है, लेकिन मेरे को उतने अच्छे से हेलीकॉप्टर उड़ानी नहीं आती है। बट चलो थोड़ा सा आगे कर लेते, लड़ बढ़ना आ जाए। ठीक है, मेरे को मुड़ना होगा ना। ठीक है ठीक है, अगर मैं इसको पीछे कर दूँ तो जाएगा वो? ओके, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। एक मिनट, थोड़ा पीछे जा ही रही है। नाइस नाइस नाइस, ओके लो भाई, ये लो हम लोग ऊपर आ गए भाई। चलो भाई, ये कैसे उतना मुश्किल तो नहीं लगा मेरे को, बट हाँ एकदम परफेक्ट लैंडिंग करनी होगी। ओके ओके ओके, एकदम परफेक्ट लैंडिंग है भाई, कहीं से छुई भी नहीं है भाई एक भी बार। और ये देखो एकदम परफेक्ट भाई लैंडिंग किया। तो चलो मैं अपने बॉस, अब मैं तो उसको बॉस बोलूँगा, चलो मैं अपने बॉस को बता देता हूँ कि मैंने ये अलग काम भी कर दिया। अब मेरे को नेक्स्ट काम क्या करना है ये मेरे को बता। ओके गाइस, मेरी उस बॉस से बात हो चुकी है, और वो जो बॉस है ना मेरा, वो कह रहा है कि अब जाके तुम एम की प्रैक्टिस करो, मतलब कि मेरे को एम लगाना होगा किसी चीज़ पे। उसने कहा है कि एरोप्लेन पे लगा दो, क्योंकि वो एरोप्लेन ना अबंडेंट है। इसका मतलब ये होता है, अबंडेंट मतलब होता है कि गाइस यार वो प्लेन खाली हो गया, वो उड़ती नहीं। तो चलो हम लोग निशाना लगाने के लिए एक प्लेन कोई भी चूज़ कर लेते हैं। और उसने कहा है कि लॉन्चर तुमको ये वाले पे मारना होगा, येल्लो वाले, क्योंकि ये भी नई नई है। मतलब नई का मतलब चलती है, लेकिन इसको अब चलाई नहीं जाती। तो चलो इस पर हम लोग पहले एम लगा के फोड़ देते हैं। लो भाई इतना परफेक्ट एम है भाई, क्या हल्के मेरे दिल। जैसे स्नाइपर चलाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मेरे को इसको ना शीशा फोड़ना पड़ेगा। रुक जाओ, ये लो भाई मैंने इसका शीशा भी फोड़ दिया है। अब गई से मेरे को स्टिकी बॉम्ब भी यूज़ करना पड़ेगा। स्टिकी बॉम्ब मैं इसी एरोप्लेन पे लगा देता हूँ। बढ़िया, ये एरोप्लेन अपने आप चल रही है। ये कौन सा भूत आ गया भाई, मैं इसकी छोड़ो, मैं काम करता हूँ ना, डस्टबिन में उड़ा देता हूँ भाई बॉम्ब। मैं इसकी डस्टबिन उड़ा दो। लो इस पर भी लगा दिया, लो ये भी गया, ये भी ब्लू वाले पे भी लगा दिया। लो चारों पे लगा दिया हूँ। अब चलते हैं पीछे, इसको एक्टिवेट कर देते हैं गाइस। चलो 3, 2, 1 लेट्स गो। तो गाइस ये वाला मैंने भी टास्क इसको भी कंप्लीट कर दिया है। अब गाइस मेरा आखिरी टास्क है, वो मैंने पहले ही पूछ लिया था। अब मेरा आखिरी टास्क है कि मेरे को जाके टैंक चलानी है और 5 गाड़ियों को फोड़नी होगी नॉर्मल, जो सामने चलती पड़ेगी। तो चलो जल्दी से पहुँचता हूँ मैं वहाँ पे और गाड़ियों को फोड़ता हूँ, देखते हैं कि हम लोग टैंक से चला पाते हैं कि नहीं। और मैं पहली बार टैंक आज तक कभी चलाया नहीं। और वेट, मैंने हेलीकॉप्टर की उसी में छोड़ दिया और हेलीकॉप्टर चल रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं यार, मेरा कौन सा पैसा जा रहा है पेट्रोल का, चलो कोई दिक्कत बात नहीं है। बट अब बारी आ चुकी है टैंक चलाने की। टैंक चलाना मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि मैंने आज तक कभी टैंक नहीं चलाया है। बट आज फाइनली मौका मिल रहा टैंक चलाने का, और 5 गाड़ियाँ मेरे को फोड़नी है भाई। मेरे को नहीं पता कैसे फोड़ते हैं भाई गाड़ी भी। ओके फायर तो ऐसे करनी है, ठीक है। ओके फायर करना मैंने सीख लिया, ठीक है नाइस। अब ऐसे चला नहीं रहते, ओके ठीक है ठीक है, हो जाएगा गाइस मेरे हिसाब से। पहली बार चला रहे हैं, एक आध दो बार। अच्छा मैं इससे ऊपर की एरोप्लेन वरोप्लेन भी मतलब फोड़ सकता हूँ इससे। चलो निशाना लगाते हैं थोड़ा बहुत एरोप्लेन पर। चलिए ये परफेक्ट है भाई, परफेक्ट 3 शॉट एकदम परफेक्ट मारा भाई मैंने। और ये जो टैंक है ना, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा सही है, तो मेरे को काफ़ी सही लगी टैंक। बाकी और कोई बंदा दिखता तो हम लोग उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये बंदा आ गया, उड़ गया। अरे यार तो ऐसे ही नहीं उड़ा यार, चलो इसको छोड़ते हैं, उसको मारते हैं। उड़ गया, गया गाइस। देखो एक गाड़ी हम लोगों ने फोड़ दी है, अब आगे चलते रहते हैं, मिल जाएगा एक आध दो और। ये एक और मैंने फोड़ दिया, ये 2, 3 हो गई। अरे सारी गाड़ी मिस हो रही यार, 4 हो गई। अब एक और फोड़नी है ना, चलो उसको फोड़ देता हूँ। रेड वाली आ रही है, बच कैसे गई। ऑल डन। तो गाइस मैंने सारे काम पूरे कर दिए हैं, और अब मैं फाइनली सिलेक्ट हो चुका हूँ अपने इंडियन नेवी में, यानी कि मैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का आर्मी ऑफिसर बन चुका हूँ। मैंने सारे मिशंस को कंप्लीट किए हैं, और अब ये टैंक मेरे को गिफ्ट के तौर पर मिल चुकी है। तो चलो भाई, अरे भाई मैंने एक एक्स्ट्रा उड़ा दिया, चलो कोई बात नहीं। अब गाइस ये जो टैंक है ना, ये मेरी पर्सनल बन चुकी है, अब मैं इसको घर पे भी रख सकता हूँ। तो चलो अपने घर में एकदम इसको पीछे छुपा के रख देते हैं भाई, क्योंकि अभी तो इसका यूज़ नहीं मैं जानता हूँ। जब इसका यूज़ पड़ेगा ना गाइस, अगर वॉर होगी हमारे देश में, तब गाइस मैं इस टैंक को निकालूंगा,
तो बाकी चलो बस आज के लिए बस इतना ही। बाकी आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना। बाकी यहाँ 1K के हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। बाकी यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।